शास्त्रों में तीर्थ या शुभ स्थलों का वर्णन जहाँ कहीं भी आया है वहाँ पर सात नदियों का बड़ा ही महत्व लिखा है। केवल सिंधु नदी में स्नान करने वाले को वही पुण्य मिलता है जो सात नदियों का अलग अलग करने से वर्णन किया गया है, क्योंकि वह सब नदियाँ सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। ऐसी सप्त सिंधु गंगा की जगमगाती लहरों के बीच में मैनाक पर्वत पर श्री साधु बेला तीर्थ स्थान विराजमान है। मानो जैसे सिंधु गंगा श्री साधु बेला को गोद में ले रही है। जहाँ पर चक्र तीर्थ, कोटि तीर्थ, मुक्ति धाम की उत्पत्ति है, सिंधु नदी के सब स्थानों में साधु बेला तीर्थ स्थान प्रधान है। तीर्थ लफ्ज की लफ्जी माना है पार उतारने वाला, यानी वह पवित्र स्थान जहाँ जाकर इस भव सागर से पार उतरा जाए। इस स्थान के बानी योगीराज बाबा बनखंडी महाराज उदासीन महात्मा हैं, जिन्होंने 1823 ईस्वी में अपनी धुनी जगाकर इस स्थान को उजागर किया। बाबा बनखंडी महाराज बहुत सी शक्तियों के भंडार थे। बाबा जी गूंगे को बोलने, बहरों को सुनने, मुर्दों को जिंदा करने, अहंकारियों की अना को तोड़ने, बे औलाद को औलाद की बख्शिश देना, उम्मीद करके आने वाले हर शख्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में समर्थ थे। श्री साधु बेला के 8वें गद्दी नशीन स्वामी हरनाम दास जी ने अपने दौर में इस तीर्थ स्थान पर बहुत सी इमारतें बनाई, घाट बनाए, मंदिर बनाए और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की। श्री साधु बेला तीर्थ स्थान में बाबा बनखंडी जी महाराज ने 3 वर्ग के दरख्त लगाए हुए थे, जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यहाँ पर मुख्य रूप में बाबा बनखंडी महाराज मंदिर, गद्दी साहब बाबा श्री चंद्र साहब मंदिर, देवी माता अन्नपूर्णा मंदिर, धुनी साहब हनुमान मंदिर, नारायण मंदिर, साधुओं की समाधियाँ, उसके अलावा झूलेलाल साईं, रामदेव अवतार, संत सदाराम साहब, महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियाँ स्थापित हैं। श्री साधु बेला तीर्थ स्थान में 20 घाट बने हुए हैं, जिनमें राजघाट, गंगा घाट, वरण घाट, कुबेर घाट, दुख भंजनी घाट, गऊ घाट, कशाव्रत घाट, सूर्य घाट, गणेश घाट, यमुना घाट, सरस्वती घाट शामिल हैं। श्री साधु बेला तीर्थ स्थान में मुख्य त्योहारों में से हर साल जून महीने में बाबा बनखंडी महाराज की बरसी, महाशिवरात्रि के अलावा बैसाखी, चेटरी चांद नवरात्रि, बैसाखी पूर्णिमा और बाबा बनखंडी जन्मदिन के अलावा और भी कितने त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में यात्री आते हैं और इन त्यौहारों का लाभ उठाते हैं। आइए हम आप सबको श्री साधु बेला तीर्थ स्थान शिखर का दर्शन करवाते हैं।